नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कर आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर चिनौर से। आज आईजी ग्वालियर रेड श्री अविनाश शर्मा को जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने ग्राम अमरोल थाना चिनौर जिला ग्वालियर के अपराधियों द्वारा पुलिस थाना चिनौर से साठ गांठ कर अमरोल गांव के किसान करतार कुशवाहा एवं उनके चाचा मनी राम कुशवाहा अहिवरण कुशवाहा के साथ लाठी डंडों एवं धारदार हथियार से मारपीट की तथा करतार सिंह की जेब में कंटा रखकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद थाना चिनौर पुलिस द्वारा करतार सिंह को गंभीर रूप से पीटा गया। जब वह मरणास्पद हो चुका, वहीं इसी स्थिति में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं करतार सिंह के ऊपर ही 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई एवं अपराधियों पर जान से मारने का प्रयास का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा जा चुका है। वहीं सौंपते समय प्रोफेसर विजय कुशवाहा ग्रामीण जिला अध्यक्ष जन अधिकारी पार्टी डॉक्टर गजराज सिंह कुशवाहा कुशवाहा समाज के अध्यक्ष खेमराज कुशवाहा श्याम राम फूले मनोज भदौरिया सुरेश भाई लाखन सिंह राम बाबू कुशवाहा सोबरन सिंह कुशवाहा हकीम सिंह डबरा और रवि कुशवाहा अंशुल कुशवाहा मनीराम कुशवाहा कल्याण सिंह कुशवाहा आदि लोग वहां मौजूद रहे। वहीं समाज के बंधुओं का कहना था कि अगर हमारे समाज के लोगों को इस तरीके से अन्याय होगा तो हम यहां पर ये आंदोलन छेड़ेंगे। यदि चिनौर से हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट, आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। क्या नाम है आपका? मनी राम। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? अमरोल। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई, हम ड्यूटी के बुलाए ट्रांसफार में बातचीत करते हमने तो फिर जिनने जाकर बातचीत कठिन करी लट इतना मारा कि हमारा देश कट गया। मेरे लट बहुत लगे, मैं भी उसके बदल पर इतने में फिर हमारे लड़के आए सीनियर के पास जा रहे थे, इतने देख के हमारे देख लौटे ऐसे फिर में लट गए, वसूली कर दिया, मोबाइल छुड़ा ले। और लोग थे? कितने लोग थे वो? क्या नाम उनके? उत्तम के दो लड़का। क्या नाम उनके? भरत का लड़का, ये एक धीमान का लड़का। मुख्य विवाद क्या था? छला हुए मुख्य विवाद क्या था? के उनका कारण क्या था? भाई डीबी का विवाद और कुछ फिर क्या हुआ? कट्टा किसके हाथ में रख दिया गया था? फिर मैंने भरे मोड़ा भेजा कट्टा मंगा ला कट्टा भरता भरत ने जेब में कुछ दे थाने पुलिस आई, पुलिस ले गई उसमें आने का मारपीट कर दी पुलिस ने, बहुत इतनी मारपीट करी के बेहोश होगा। पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया? पुलिस ने झूठा ही लगाया कट्टा। थाना मिला हुआ है? क्या थाना मिले हो? गुजरने का पैसा दे देंगे। कौन सा थाना है? सीनियर थाना। अभी आप कहाँ पे आए? अभी घर से। अभी कहाँ पर आए? अभी जहाँ आए जी वापस। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन से ही मिला का कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करके जांच कराएंगे। ये 8 जुलाई की घटना है। 8 जुलाई की देहात थाना है चिनौर ग्राम अमरोल के करतार सिंह गुर्जर करतार सिंह कुशवाहा और उसके परिवार जनों के साथ मारपीट की उत्तम गुर्जर जो पड़ोस में गांव में रहने वाले थे, उनका कोई आपस का मामला था बिजली को आपस में बांटकर खेती करने का। इस बहाने उन्होंने करतार को बुलाया 8 जुलाई को और उत्तम गुर्जर और उसके लड़के दो और उनके भतीजे वगैरह 6 लोगों ने इनके ये करतार और चाचा और इनका एक भाई 3 लोग ये थे और 2 लोग जब रास्ते में से निकल रहे तो इनके परिवार के 2 लोग और इकट्ठे हो गए। इनको 6 लोगों को बहुत ज़्यादा मारा। मारने के बाद में उत्तम गुर्जर ने पहले से प्लानिंग थी इनकी पुलिस के साथ में, एक कट्टा लाए 315 बोर का करतार की जेब में रख दिया और राउंड रख दिए और उसी बीच में उन्होंने थाने को सूचना कर दी कि ये आदमी हमारा कट्टा से जान से मारने की नीयत से घूम रहा है। और पुलिस ने मिली भगत थी, पुलिस ने वहाँ पर जाकर किसी से बातचीत की, कोई कुछ नहीं, कोई तहकीकात नहीं, कोई जांच नहीं और उसको ले जाकर थानों में 6 जनों को जो हमारे जो करता रहे जो साथी थे इनके परिवार के लोग थे इनके कपड़े उतारकर मारपीट की। जो पहले से ही पिटा हुआ था ये इतना मारा इसको कि इसका पचली टूट गई, लीवर डैमेज हो गया और दूसरे दिन जब हमने पेपर में देखा तो पेपर में निकला था कि करतार गुर्जर करतार कुशवाहा
वारदात की नियत से गांव में घूम रहा था, इसलिए 25-27 एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। जब इन्होंने देखा कि वो गंभीर रूप से घायल है और उसको अस्पताल में भर्ती है, उसके लीवर में पस पड़ गया है, तो दूसरे दिन उन्होंने कहानी बनाकर कहा, पेपर में एक न्यूज फिर निकली कि उत्तम गुर्जर से आदि से लड़ाई हुई तो 323 की खामी हमने सिर्फ 323 की खामी उत्तम गुर्जर के खिलाफ कर दी है। यहाँ पर झूठा केस लगाया गया है, जबकि फरियादी लोग हैं करतार और उसके परिवार के लोग, और उसी पे आर्म्स एक्ट लगा दिया गया है। हमने आईजी महोदय से जांच के लिए कहा है, करतार और उसके परिवार पे आज तक कोई भी 151 का केस नहीं है। उनसे आईजी महोदय से कहा है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज और हमारे जो सीधे साधे लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ दमंग लोग आए दिन करते रहते हैं, इनके साथ में पुलिस मिली भगत है। जब हमारे 4-5 लोग पिटे और थाने में बंद हुए तो दरोगा ने 15,000 रुपये लेके छोड़ा, तो हम सारे संदेह हैं, हमें पूरी जानकारी है कि इनको जो दमंग लोग हैं उत्तम गुर्जर वगैरह जो रेत माफिया का काम करते हैं, है? अभिषेक सागर प्रभारी है चिनौर के, अभी आए हैं, अभी हम अमनाथ शर्मा जी हैं जो आईजी हैं, अभी उनके पास आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर करतार को अगर पसली में चोट है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, अगर उसको गंभीर चोट है तो 307 में, लेकिन कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। इसमें मैं बारीकी से जांच कराऊंगा, एडिशनल एसपी जो नरवरिया जी हैं उनको ये जांच सौंपी है। ये जो भी इन्होंने बताया है, उभय पक्षी मारपीट और झूठा आर्म सेट का मामला पंजीबद्ध किया गया ऐसा इनका कहना है, तो उस संबंध में हमने एसपी साहब ग्वालियर को पत्र लिख दिया है और उसमें बारीकी से हम जांच कराएंगे और जो भी तथ्य होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये चिनौर थाना। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल।